Hello students, we have completed the chapter number 8. Now we are going to start the chapter 9, which is ray optics and optical instruments. So our today's topic is refraction and its law. So let's start the topic. Students, we discussed about the visible light little bit in the previous chapter. Visible light is a part of electromagnetic waves. It means visible light is also having variable or sinusoidally varying electric and magnetic field. ठीक है, तो light की कुछ properties हैं, कुछ behavior है वो show करती है. ठीक है, वो जो behavior visible light show कर रही है वही सब सारा behavior बाकी EM waves भी show करती हैं. ठीक है, तो but इस चैप्टर में हम किसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ विजिबल लाइट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, विजिबल लाइट की वजह से ही आसपास के सराउंडिंग की चीज़ें हमें देख पाते हैं. ठीक है, ये आप बोर्ड देख पा रहे हो, ये किसी पर्सन को देख पाते हो. ठीक है, अपने सराउंडिंग्स में नेचर को देख पाते हो, तो किसकी वजह से देख पाते हो, विजिबल लाइट की वजह से. सही है, तो विजिबल लाइट की वजह से वर्ल्ड हम वर्ल्ड के ब्यूटी को हम देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो कि लाइट ट्रेवल्स इन वेरियस मीडियम्स. फॉर एग्जाम्पल, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम मीडियम. ठीक है, लाइट कैन ट्रेवल इन एयर मीडियम, लाइट ट्रेवल्स इन वाटर मीडियम, लाइट एंटर्स इन डायमंड्स ऑल्सो, सो डायमंड इज ऑल्सो ए मीडियम एक्सेट्रा. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से लाइट पास कर सकती है. जैसे वैक्यूम, इसका क्या एग्जांपल है कि सन की रेज हम तक कैसे पहुंच पा रही हैं. सन की रेज सन से रेडिएट होने के बाद बहुत सारा डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करती है, वैक्यूम में, स्पेस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है ना, गैसेस प्रेजेंट नहीं है, तो वैक्यूम से ट्रेवल करके फिर अर्थ पे एंटर करती है. ठीक है, तो लाइट जो है विजिबल लाइट किस में ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में. इसी तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम तक पहुंचती है, तो यानी लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, एयर मीडियम से. लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वाटर ऑल्सो. ठीक है, आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल का जो बेस है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है. ठीक है, या कोई पानी का टैंक है, उसके पानी के टैंक के बेस को देखेंगे तो वो विजिबल होता है. तो वो भी किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ठीक है, कैसे, कि जो ये सपोज स्विमिंग पूल का बेस है ये. ठीक है, पूल वगैरह बेस है ये, और इसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, तो सपोज सन से लाइट आ रही है, तो सन से लाइट पहले कौन से मीडियम से ट्रेवल कर रही थी, वैक्यूम से ट्रेवल कर रही थी. ठीक है, फिर ये कहाँ एंटर करेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर, है ना, यानी कौन से मीडियम में आ गई, अब एयर मीडियम में आ गई. ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की, उसके बाद यानी एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, पहले वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, अब एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है. फिर एंटर करने के बाद, ठीक है, ये पूल के वाटर के अंदर एंटर करेगी, यानी अब इसके ट्रैवल करने का मीडियम कौन सा है, वाटर. सही है, तो जैसे ही वाटर के अंदर एंटर करेगी तो पूल के बेस से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके चेंज अपना पाथ चेंज कर लेगी. तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से पूल का बेस हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम किस वजह से देख पाते हैं, या तो उसकी खुद की लाइट होनी चाहिए. ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, बल्ब की खुद की लाइट होती है, सन की खुद की लाइट है, स्टार्स की खुद की लाइट होती है. ठीक है, या वो ऑब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स को लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो हमारी तो खुद की लाइट है नहीं, फिर भी हमें दूसरे पर्सन देख पाते हैं या दूसरे पर्सन को हम दिखते हैं. तो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप रूम में हैं तो रूम की लाइट आपके ऊपर फॉल कर रही होगी. सही है, और आपकी बॉडी रूम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट का कुछ पार्ट ऑब्जर्वर की आई में एंटर करेगा, और जिस वजह से आप विजिबल होंगे ऑब्जर्वर को. सही है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे सराउंडिंग्स की चीज़ें हम देख पाते हैं. ठीक है, क्लासरूम में जब आप टीचर बोर्ड पे टीच कर रहा होता है तो आप बोर्ड देख पाते हो. तो क्यों देख पाते हो, कि एक या तो क्लासरूम में नेचुरल लाइट होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल लाइट ही होती है, क्योंकि डे मॉर्निंग या
डे टाइम में ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सन की लाइट एंटर हुई, बोर्ड पे क्या करेगी, फॉल, और वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर भी नीचे भी, है ना। इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन लाइट आ भी रही है, एंड इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो किसी रिफ्लेक्टेड लाइट के पाथ में आप बैठे होंगे और वो लाइट आपकी आई में एंटर करेंगी, ठीक है। आई का वर्किंग फिनोमिनन आपने क्लास 10th में किया होगा कि आई को आइज क्या करती है, लाइट रेज को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है और ब्रेन डिटेक्ट करते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, सही है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, ठीक है। जैसे मून है, मून की खुद की लाइट नहीं है, बट फिर भी हमें मून दिखाई देता है अर्थ से, इतनी दूर से भी मून दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मून पे खुद की लाइट तो नहीं है, बट मून पे लाइट कहाँ से आ रही है, मून पे लाइट किसकी लाइट फॉल कर रही है, सन की लाइट फॉल कर रही है, सही है। और मून इस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसमें ब्राइटनेस आ जाती है, सही है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसमें क्या आ जाएगी, ब्राइटनेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस। तो अब ये मून था, मून ने लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। फिर ये कहाँ एंटर करेगा, अर्थ के एटमोसफेयर में, अर्थ के एटमोसफेयर को क्रॉस करता हुआ हमारी आई में एंटर करेगा, ठीक है। तो ऑल द मून की लाइट खुद की लाइट नहीं है, बट वो फिर भी विजिबल है, बिकॉज ऑफ विच फिनोमिनन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन वगैरह का टॉपिक आपके उसमें से कट हो गया, इसके बेसिक डिस्क्रिप्शन हमें करना नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी लाइट हमारी विजिबल, और सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल करती है, जैसे ये वाटर पूल का एग्जाम्पल दिया हमने कि लाइट इनिशियली वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, फिर अर्थ में एंटर हुई तो अर्थ के एटमोसफेयर में गैसेस प्रेजेंट है तो एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, फिर पूल वाटर में एंटर कर गई तो वाटर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सही है। अगर वाटर मीडियम में नहीं एंटर कर पाती, ठीक है, अगर लाइट वाटर में ट्रेवल नहीं कर पाती तो हम पूल बेस को देख भी नहीं पाते, ठीक है। इसी तरह से कोई वाटर टैंक के अंदर कोई सपोज कॉइन गिरा हुआ है और उसको आप देख पा रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार लेक का पानी बहुत क्लियर होता है, ठीक है, मूवीज़ में या टीवी में देखा होगा, है ना। कुछ लेक्स का वाटर क्या होता है, बहुत क्लियर होता है, उसके नीचे जो स्टोन्स वगैरह हैं वो आप देख पाते हैं। तो वहाँ पे भी कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, रिफ्लेक्शन का, और कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। सिमिलरली जो डायमंड स्पार्कल करता है, ठीक है, डायमंड जो स्पार्कल कर रहे हैं, जो उसमें शाइन है, तो जो डायमंड की शाइन है वो भी किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एक और फिनोमिनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐड हो जाता है, बट वो आगे डिस्कस करेंगे। तो डायमंड में जो शाइन है वो किस वजह से आती है, वन ऑफ द फैक्टर इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, अभी तक क्या बताया मैंने कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, इट कैन ट्रैवल थ्रू एयर, इट कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। बहुत सारे मीडियम से लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। देन व्हाट इज रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स, व्हेन लाइट चेंजेस द मीडियम, ओके, व्हेन लाइट ट्रैवल्स from one medium to another, ठीक है, एक medium से दूसरे medium में जब light जाती है, then there is change in speed of light direction of light, ओके। रिफ्रैक्शन फिनोमिनन, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिनन शो करती है, एक प्रोसेस शो करती है, वैसे ही लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमिनन शो करती है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने वाटर पूल का एग्जांपल लिया कि ये पूल बेस है सपोज, और इसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है,
तो एयर से लाइट आ रही थी, सपोज सनलाइट एयर से आ रही है, देन किधर ट्रेवल कर रही है, वाटर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सही है। तो ये कौन सा मीडियम है? एयर। और ये कौन सा मीडियम है? वाटर, ठीक है। और एयर और वाटर को सेपरेट करती हुई ये बाउंड्री है ना, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये किसको सेपरेट कर रही है? एयर और वाटर को। तो इस बाउंड्री को बोलते हैं हम इंटरफेस। इंटरफेस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग दी टू मीडियम्स, ठीक है। इंटरफेस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग दी टू मीडियम्स। हेयर एयर एंड वाटर आर सेपरेटेड बाय दिस लाइन ना, सो दिस इज द इंटरफेस, ठीक है। तो जब लाइट इंटरफेस पे पहुंचती है ना, यानी बाउंड्री पे पहुंचती है जहाँ दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे एयर मीडियम खत्म हो रहा है और वाटर मीडियम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे पहुंचने पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, और लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सही है। लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। अभी तक हम लाइट को कैसे ट्रैवल करता हूँ, मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन से ये अपना पाथ, इसको जाना चाहिए था, ये इंटरफेस फेस आ गया, मान लो क्या आ गया, इंटरफेस। तो इंटरफेस आने पे होगा क्या, इस डॉटेड पाथ के अलोंग इसे जाना चाहिए था, बट या तो अपने लेफ्ट में ये डेविएट हो जाती है, या किधर डेविएट हो जाती है, राइट में, ठीक है। तो लाइट की डायरेक्शन में चेंज आ गया, एंड किस में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कि वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम में लाइट ने कितना स्पीड अपने चेंज किया है, दैट इज देयर रेशियो इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एन, ठीक है, एन से डिनोट करेंगे। तो एन इज द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स। किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है। बट फर्स्टली वी विल टेक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फिर इसे डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मीडियम जैसे वाटर था, वही पूल वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक मीडियम हमने ले लिया, यहाँ पर वैक्यूम ले लिया, सही है। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है और वाटर में जो लाइट की स्पीड है, दोनों को फाइंड आउट करो, सही है, और दोनों का रेशियो ले लो। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से डिनोट कर देते हैं, और मीडियम वाले को वी से डिनोट कर देते हैं, एन इक्वल्स टू सी बाय वी, सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स, वन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अनदर इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जैसे अगर मैं वाटर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या ले लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? इस मीडियम का। जैसे वाटर लिया है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? ये वाटर मीडियम का, ठीक है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लेना है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि वाटर में लाइट की स्पीड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम में लाइट की स्पीड के, ठीक है। देखो कोई भी मीडियम है अदर देन वैक्यूम, वो हमेशा लाइट की स्पीड को डिक्रीज ही करता है, कोई भी इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो जब भी लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें साइनोसॉइडल फॉर्म में वेरी कर रहा है, सही है। बट जैसे ही ये मीडियम में ट्रेवल हुई, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड होने का क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? ऑपोजिट कर ली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे अट्रैक्ट करता है? मैटर से अट्रैक्ट करता है। जैसे सपोज किसी वाटर से ही मान लो, वाटर मीडियम में ही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट एंटर करेगा ना, तो
वाटर में भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम्स, और एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और उसके सराउंडिंग में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो प्लस माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग में, तो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, प्लस के माइनस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाटर का, वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम्स से, एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, तो यानी वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और विजिबल लाइट जो आ रही है उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से लाइट की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये लाइट वाटर मीडियम में एंटर हुई ना, तो वाटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी वाटर के अंदर भी इंडिविजुअल एटम्स के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब लाइट एंटर करेगी तो वाटर के पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, और खुद के पास भी वो लाइट के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब दोनों फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो लाइट की स्पीड पे, ईएम वेव्स की स्पीड पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो ये रीज़न है इसका स्पीड में डिक्रीज होने का, तो हर मीडियम लाइट की स्पीड को डिक्रीज ही करता है, इंक्रीज कोई भी नहीं करता, ठीक है, तो हम मीडियम पे कितना इफेक्ट पड़ा, स्पीड कितनी ज़्यादा डिक्रीज हुई है या कम डिक्रीज हुई है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि हम मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आता है, मीडियम का आता है, ठीक है, जैसे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लेना है तो एयर में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, तो यहाँ पे क्या लोगे, लाइट की स्पीड इन एयर मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डायमंड का लेना चाहते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो कांस्टेंट रहेगा सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम, डायमंड मीडियम, सही है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल आएगा, डायमंड का निकल आएगा, ठीक है, तो वैक्यूम में देखो, वैक्यूम में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना, मैटर प्रेजेंट नहीं है, तो मैटर प्रेजेंट नहीं है तो लाइट ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करेगी, जैसे मैटर मतलब, मैटर होने का मतलब एटम्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, वैक्यूम में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सब एम्प्टी है, एम्प्टी है तो एटम्स नहीं होंगे, जिस वजह से ईएम वेव से कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, और उसकी स्पीड क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और कितनी स्पीड रहती है वैक्यूम में, 3×10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, 3×10⁻⁸ मीटर्स, दिस मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड, तो जैसे ही मीडियम में एंटर करती है ना लाइट, मीडियम में एंटर करती है, जैसे वाटर में एंटर की, डायमंड में एंटर की, तो इस वैल्यू से स्पीड ऑफ लाइट क्या कर जाएगी हमारी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि मैटर जैसे डायमंड में एंटर हुई, मान लो सपोज यहाँ पे डायमंड में एंटर की, तो डायमंड में भी क्या होंगे, एटम से मिलके बना हुआ है, प्लस माइनस, यानी डायमंड के एटम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किससे इंटरेक्ट करेगा, जो विजिबल लाइट आ रही है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पास भी वो भी ईएम वेव्स है ना, उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायमंड का इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इंटरेक्ट करेगा, विजिबल लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिस वजह से विजिबल लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो कितनी डिक्रीज करती है वो हम इधर लिख देंगे, जिससे क्या निकल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का निकल आएगा, ठीक है, तो हाउ मच इज़ द स्पीड डिक्रीजिंग और स्पीड इज अफेक्टिंग, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, कि लाइट की स्पीड पे कितना इफेक्ट पड़ा है, ज़्यादा इफेक्ट होगा तो डिक्रीज ही, ठीक है, ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, कम डिक्रीज हुआ है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, थैंक यू।